हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स कि एंगल्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टाइप्स के एंगल आते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ एंगल के अंदर दो तरह के एंगल्स हो गए। ओके, तो सबसे पहला कैटेगरी है जिसके अंदर हम बताएंगे कि एक जो होता है, सबसे पहला एक एंगल होता है एक्यूट एंगल। ओके, दूसरा एक एंगल होता है राइट एंगल। ओके, राइट एंगल। फिर उसके बाद जो आएगा, राइट एंगल के बाद आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद आएगा स्ट्रेट एंगल। और एक लास्ट जो है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि कौन से एंगल को क्या बोलते हैं। अभी डायग्राम के हेल्प से एक एक एंगल्स को हम समझेंगे अच्छे से। अब इसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है, तो दूसरा कैटेगरी है, मैं चलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ दूसरा कैटेगरी, थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं। एक कैटेगरी जो ये हो गया, ओके, कि जो एंगल्स होते हैं इस तरह से पांच टाइप के हो सकते हैं, और दो एंगल होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल एंगल्स। ओके, और एक होता है सप्लीमेंटरी एंगल्स, सप्लीमेंटरी एंगल्स। ओके, तो चलिए वन बाय वन अब समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जिस एंगल जीरो डिग्री से ज़्यादा हो। ओके, देखो, जीरो डिग्री इज लेस देन एक्स, यानी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री, जो जीरो डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 90 डिग्री हो। ओके, लाइक देखो, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ को बताता हूँ। एक्यूट एंगल, जैसे कि ये एंगल हो गया, ओके, ये ओरिजिन बता दिया, ओरिजिनेट हो रहा है ओ से, दिस इज ओ ए एंड बी। अगर मैं इसको बोलता हूँ एक्स, तो ये जो एक्स है, देखिए, आप स्टार्ट हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन जीरो। ओके, पर ग्रेटर देन जीरो, पर जीरो से कितना बड़ा, कितना बड़ा, तो भाई बस 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा चलेगा, यानी 89 तक चलेगा। ओके, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री। ओके, फिर 0 डिग्री का प्लस होगा तो भी चलेगा, है ना, 0.5 0.7 ऐसा भी चलेगा। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं 1 से स्टार्ट है ना, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। ओके, सो एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, ये देखो, ये होता है एक्यूट एंगल। अब बड़ा होते 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 वो एग्जैक्टली 90 पे रुकेगा। ओके, तो एक और कैटेगरी पड़ गई हमारी, एक और कैटेगरी पड़ गई, दिस इज ओ ए बी, और इसको दिस इज, देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ओके, राइट एंगल का सिंबल बोलते हैं, इसको हम वाई बोल देते हैं। ओके, ऐसे एंगल को हम क्या बोल देते हैं, वाई बोल देते हैं। ठीक है, तो जो वाई होता है एंगल विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, इसका नाम क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, है ना। अब थर्ड है, हम बात कर रहे थे, देखिए, हमने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से ज़्यादा वाला एंगल को एक्यूट एंगल, बट जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, 90 बन गया तो राइट एंगल। अब 90 से ज़्यादा अगर ये और ऊपर बन रहा है, 90 से भी ज़्यादा जा रहा है, ओके, समथिंग लाइक, देखिए, ये तो ऐसा ही है ओ ए, और ये अब क्या है, 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है, लाइक दिस। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड, कोई जेड बोल देता हूँ। ओके, यानी दिस इज 90 से ज़्यादा। ओके, जेड इज़ व्हाट, ग्रेटर देन 90, 90 इज लेस देन जेड, यानी जेड इज़ ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा होना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये बड़ा तो कितना बड़ा, तो ये जो सामने 180 करते 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 इस तरह से आ जाएगा, बट 180 नहीं होना चाहिए, 180 से छोटा। ओके, बट जेड इज लेस देन 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, यानी कि अगर एग्जैक्टली ये बड़ा होते होते 180 बन गया, स्ट्रेट बन जाएगा, देखिए आप, ये दिस इज ओ ए, और ये बड़ा होते 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 एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा, दिस इज बी,
ओके, तो इसको मैं एंगल कोई और नाम दे देते हैं, हम इस एंगल को नाम दे देते हैं कोई ए नाम देते हैं, स्मॉल ए। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं कि अगर एंगल कोई है एग्जैक्टली 180 डिग्री है ना, कि एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। देखिए नाम याद रखना बहुत आसान है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन ही रही है ना, स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो दिख रहा है। ओके, अब एक लास्ट कैटेगरी रह गई है, रिफ्लेक्स एंगल, यानी ऐसा एंगल जिसको हम बी बोल देते हैं, जो क्या है 180 से बड़ा है। ओके, सो 180 डिग्री इज लेस देन बी, यानी बी इज ग्रेटर देन 180, है ना, यानी अब इससे भी आगे चला जाएगा ये, है ना। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, तो देखो ये है हमारा ओ ए, फिर बड़ा होते 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 अब 180 तक पहुँच गया, 180 से भी बड़ा हो गया, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ तक। ओके, इसको मैं बी बोल देता हूँ, एंगल बी, तो बी कैसा है 180 से बड़ा है। ओके, 180 से बड़ा है बी, बट लेस देन 360, है ना, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये सारे एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आया समझ में? तो ये लिख दिया यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ रह गई कि लेस देन 360 नहीं होना चाहिए, बराबर। तो इस तरह के पांच एंगल्स होते हैं। सबसे पहला जीरो से स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला एक्यूट एंगल जो ग्रेटर देन जीरो होगा बट लेस देन 90 होगा। ओके, फिर 90 पे पहुंचेगा, जब 90 हो जाएगा एंगल तो होगा उसको बोलेंगे हम राइट एंगल, 90 से बड़ा बट 180 से छोटा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, 180 जो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, और 180 से बड़ा और 180 से बड़ा बट 360 से छोटा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह के पांच टाइप के एंगल होते हैं, बराबर। अब लास्ट चीज़ रह गई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो चलिए आप पहले तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये जो भी नोट डाउन करना है इसके बारे में, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये लिखना है और ये सारे डायग्राम्स ड्रॉ कर लेने हैं ताकि आप जब एग्ज़ाम हो तो इसको रिफ़र कर सको वापस, है ना। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, चलो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था, मैं यहाँ से उठा के एक और कैटेगरी यहाँ पे बना देता हूँ, वापस एक और बार लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी जब भी दो एंगल का सम कुछ होता है तो उसको हम या तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे या तो सप्लीमेंट्री बोलेंगे। तो कौन सा एंगल होता है वो, अगर कोई दो एंगल है हमारे पास, एंगल वन मान लेते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू, अगर ये एंगल वन प्लस एंगल टू दोनों मिला के अगर 90 डिग्री हो जाते हैं, 90 डिग्री जैसे कि एक एंगल है 30 डिग्री और 30 के बाजू में है 60 डिग्री, है ना, लाइक ऐसा कि ये देखिए ये कुछ ऐसा है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों जो है ये 90 बना रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, यानी इस मान लो ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो x और y को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि x और y का जो सम होता है वो 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसी तरह अगर दो एंगल का सम एंगल 1 और उसी का एडजेसेंट एंगल 2 दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल को क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम 180 होता है तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो देखो दो कैटेगरी के बारे में डिस्कशन हुआ, पहली कैटेगरी में जो डिग्री के हिसाब से हमारा जो कैटेगराइज हुआ है, एक्यूट एंगल ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90, राइट एंगल इक्वल टू 90, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया है ना। और सेकंड कैटेगरी आती है जिसमें सम ऑफ एंगल्स की बात आती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है, अभी का ये जो वीडियो है, ये इसमें जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया और जो टाइप्स ऑफ एंगल बताए वो आपको समझ आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।